माँ कसम लकड़ी का ब्रिज है बाप रे। हाँ मतलब डॉक्टर साहब का नाम बता दूँ ना सनी। यस मालिक तुम कर सकते हो, बस तुम्हें एक घंटे और चलना है। चलो 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 अब अपने निकल रहे हैं तुरतुक के लिए, वो भी रिस्क लेकर के। क्यों? क्योंकि किसी की गाड़ी में भी मोजो को छोड़ के पेट्रोल नहीं है। तो ये भाई का लूज हो गया, अपने को उसको टाइट करना पड़ेगा और सेट भी करना पड़ेगा। तो फैन पे ऐसी बन रहा है जो मैं बना रहा हूँ और यहाँ पे बना रहा है वो है रजत बिस्किट। अभी हमारी गरीबी में हमें ठंड लगनी स्टार्ट हो गई है, देखिए जरा गरीबी। बिरादरी से अलग हो नहीं क्यों? तो फिर इधर इधर बैठो ना। यूनिक पर्सनालिटी तो आप ही दिख रहे हो पूरे व्लॉग। सन्नी भाई का नाम अभी भी सन्नी भाई है ना, इसलिए सन्नी भाई। हाँ मतलब डॉक्टर साहब का नाम बता दूं मैं सनी है। मैंने व्लॉग में भी डॉक्टर साहब ही बोला है। नहीं वो सेफ ऑप्शन है। सनी दारिया एक बता दो। दारिया बोलना भी दारिया बोल रहा है। इमरजेंसी स्पेशलिटी है मुझे तो। मैं सो सो इमरजेंसी स्पेशल दारू पी लेला पकड़ा ही नहीं मेडिकल ही करे हैं। हां सीरियस मेडिकल लीगल केस जो आना बता। मेडिकल लीगल केसेस ओ एक्सीडेंट रेप ओ काम के बंदे हो। नंबर ले ले इमर नंबर ले ले। मुझे लगता है कैमरे में तो मुझे ऐसा ही लगता है रेपिस्ट जैसा। वैसे भी मैंने आपको बताया ये रिफ्यूजी है, ये पाकिस्तान से भाग के आए थे लोग। हाँ पूछ भी रहा था यहाँ से जाएंगे तो पाकिस्तान पहुंच जाएंगे ना। उसको लगना चाहिए पाकिस्तान से वो माहौल बनता है डर का। तो अभी अपने कारनामा करने जा रहे हैं, कारनामा हो गया उसको ठीक करने जा रहे हैं। तो ये भाई का लूज हो गया, अपने को इसको टाइट करना पड़ेगा और सेट भी करना पड़ेगा। तो चलो करते हैं। गाड़ी का थोड़ा नट बोल्ट ढीला हो गया, सही कर रहे हैं। तो फिलहाल कर तो दिया है टाइट। लीजिए सर देखो जरा। तो ये दोनों रेडियो के खड़े हैं, अपने जा करके बस जैकेट पहन लेते हैं और हैंड वॉश कर लेते हैं फिर निकलते हैं। थोड़ा सा काम करते ही सांस फूल जा रही है यहाँ तो। ओहो ओके। तो कल हमारा दीक्षित मॉनेस्ट्री रह गया था, मैं आप लोगों को बताना भूल गया था क्योंकि हम लोग लेट हो गए थे एंड 7 बजे के बाद वो बंद कर देते थे, इसलिए हम लोगों ने यहीं पर रूम वूम ले लिया था और रुक गए थे। तो अभी हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम पहले मॉनेस्ट्री जाते हैं, मॉनेस्ट्री के बाद अपने जाएंगे तुरतुक। तो ये है दीक्षित मॉनेस्ट्री का गेट जो कि बहुत सुंदर लग रहा है। कितना हुआ? 120। तो 30 रुपीज़ पर पर्सन का टिकट होता है। मतलब इन बच्चों को भी क्या मतलब छोटे से क्लैप से कितनी खुशी मिलती है। एंड अपने पास चॉकलेट्स हैं तो अभी जब अपने रिटर्न ना आऊँगे ना तो अगर ये बच्चे मिलते हैं तो अपने इनको चॉकलेट्स देंगे। तो ये अपने पहुंच गए दीक्षित मॉनेस्ट्री। तो वो रही मॉनेस्ट्री, मॉनेस्ट्री मतलब उधर है, ये स्टैचू बनाया हुआ है
और यहाँ से जो नज़ारा है आपको दिखाते हैं अपनी बाइक के साथ। तो ये रही अपनी बाइक और ये रहा यहाँ का व्यू। तुम तो पूरी दुनिया के लिए एक व्यू ही हो। जी भैया, थैंक यू। तो चलो ऊपर जाते हैं, सबसे गंदा टास्क चल के ऊपर जाने का। और हमारे साथ के दो धोखेबाज जो हमें पहले होटल से छोड़ के आए, होटल में छोड़ के आए, और अभी भी दोनों धोखेबाज छोड़ के ऊपर चले गए। और जो उनका खास दोस्त है उसी बेचारे को छोड़ गए। हेलमेट गिरा दो पार्थ भाई का, नीचे गिरा दो। हेलमेट का क्या फायदा, उसको फेंक दे। नीचे व्यू देख कितना, व्यू देख, व्यू कितना फायदा। दिस इज स्पार्टा वाला सीन होगा, इंडियन वर्जन। तो चलो यहाँ से ऊपर जाते हैं। मालिक तुम कर सकते हो, बस तुम्हें एक घंटे और चलना है। चलो चलो। yes, yes. चलो चलो। I'm all fit, yeah. yes, चलो चलो। जैसा कि आप लोग देख सकते हो, क्या सो लास्ट टाइम भी अपने यहाँ पे नहीं आ पाए थे किसी रीजन से, बट इस बार आ गए। रीजन याद नहीं है, तबीयत भी खराब थी। वैसे तो मेन तो मेरी तबीयत खराब थी, अपने को पेंगोंग वेंगोंग जाने का था, सब जाने था, तो इसलिए निकल गए थे, यहाँ पे आए नहीं थे। सो इस बार अपने आ गए। तो ये रहा स्टैचू, बहुत बड़ा है। यहाँ से आपको शायद कैमरे में जस्टिस ना हो रहा हो, पर यहाँ से जो व्यू है अभी सीन कुछ ऐसा है कि अपने जाने वाले हैं तुरतुक, और अभी किसी की बाइक में भी ढंग से पेट्रोल है नहीं, मेरे और हेमंत की बाइक छोड़ के। और ये तो कुंड लेकर के चल ही रहा है, इसके तो क्या जरूरत है। सो वो रहा स्टैचू, वो रही अपनी बाइक है, और ये रहा मैं। हाय रजत, कुकी को रेगुलरली फॉलो करो, वीडियो देखो। और मैं हूँ रजत बिस्किट का सब फैन पेज ही बन रहा है जो मैं बना रहा हूँ, और यहाँ पे बना रहा है वो है रजत बिस्किट, जिसमें हम आपको सारी क्लिप्स बताएंगे इसकी। सो तुरतुक यहाँ से अराउंड 115 किलोमीटर जैसा है, और आना जाना इस अराउंड 200 प्लस किलोमीटर, मतलब कि वही हो गया 220 किलोमीटर। और आपको इसके कल गिरने की क्लिप कैसी लगी आप बताना, लास्ट व्लॉग में जो हमने डाली थी। और नहीं देखी है तो जा करके देखो, लेकिन देखना जरूर है। अब देख, गिरने के बाद तो कोई भी बहाने मार ले, बैठा था सोच रहा था, लेकिन कायदे में तो तू गिरा ही था ना। हाँ हाँ ठीक है। तो यहाँ से निकल रहे हैं मॉनेस्ट्री से, टाइम हो गया है 12:14, बस सब लोग आ जाएं, बोले तो मतलब सब लोग चलने के लिए रेडी हो जाएं, फिर एक साथ सब निकलेंगे। कोशिश करते कहीं पर रास्ते में ही ऐसी पेट्रोल मिल जाए। मेरी गाड़ी में और हेमंत की गाड़ी में तो ऑलमोस्ट है, चल जाएगा, बट और सबकी गाड़ी में भी चाहिए। तो अगर और सबकी गाड़ी में डलेगा तो अपने भी थोड़ा सा डलवा लेंगे, बोले तो मतलब मैं भी थोड़ा सा डलवा लूँगा अराउंड 2-1 लीटर, तो काम बन जाएगा फिलहाल के लिए। फिर कल तो निकलना ही है, कल तो सब फिल कराना ही पड़ेगा, जेरिकेन भी बाइक भी। तो चलो निकलते हैं। तो बस हम लोग ने डिसाइड किया कि कुछ बाइक ले लेते हैं, कुछ नहीं पेट्रोल का लोचा होगा क्योंकि, इसलिए अभी हमने डिसाइड किया कि मेरा गाड़ी, हेमंत का, भाई का और मोजो ले लेते हैं। पेट्रोल वहाँ रास्ते मिल जाएगा तो ठीक है, अदरवाइज हमारी तो चल ही सकती है। एंड रूम पे हम इसलिए आए हैं क्योंकि हेमंत को और सबको रेन कवर लेना है, क्योंकि रेन लाइनर लेना है, इसलिए क्योंकि मौसम थोड़ा ऐसा ही हो रहा है। और कुछ नहीं था ना,
गाड़ी का कंफर्म चाहिए आज। अबे ये क्या ले आया मेरा टैंक बैंक में रख ले। इसकी रेंज कितनी होती है? नॉर्मली 320-310। कितना है? इतना तो मेरे में ही आता है। हाईवे पे इतना चल जाती है, जैसे यहाँ पर है तो यहाँ अच्छा खासा आता है। ज्यादा अभी मेरे अभी के हिसाब से मेरा एवरेज है 36.9 अभी तक जो चलाया हमने लास्ट पेट्रोल पंप से। नहीं नहीं बरोडा से यहाँ तक का एवरेज है 29। सो फाइनली अब अपने निकल रहे हैं तुरतुक के लिए, वो भी रिस्क लेकर के। क्यों? क्योंकि किसी की गाड़ी में भी मोजो को छोड़ के पेट्रोल नहीं है, है बट कम है। तो अगर अपने को हुंडर या तुरतुक में मिल गया तो मिल गया, अदरवाइज जान हथेली पर रख के हम लेके आएंगे भाई, क्या समझे। If I got something to say, you better let me speak. Turn it up a new degree, bitch, you ain't seen anything. I pop off with the new rock. Electronic, blow the sonic roof up. I'm too honest when I take a few shots. तो ये कुछ तो बना हुआ है, क्या है पता नहीं। ये है हुंडर ब्रिज। तो ओके, लास्ट टाइम हम इधर ही कहीं रुके थे, तो हम जो रुके थे हुंडर में रुके थे, मेरे को लोकेशन का नाम याद नहीं था। तो इधर ही अंदर जा कर के कहीं थे, रास्ता याद है, लोकेशन का नाम याद नहीं है। सीधा सीधा ही रास्ता था, फिर ब्रिज क्रॉस करने के बाद जो वाला ब्रिज देख रहे हो ना आप, अगर आप लोगों को दिखा हो अभी दिख जाएगा यहाँ से, वो ब्रिज क्रॉस करने के बाद हम लोग उधर ही कहीं रुके थे, वहाँ पर बहुत सारे रिजॉर्ट्स हैं। यस, ये जो रास्ता जा रहा है वहीं से जा रहा था वो रास्ता। अभी हमारी गरीबी में हमें ठंड लगनी स्टार्ट हो गई है, देखिए जरा गरीबी। तो आप लोगों को तो अभी मैंने बताया नहीं कि मेरे पीछे बैठे हैं धीरज भाई। बोलो तो धीरज भाई को गिरा देगा आज। तो बस हम लोग जा रहे हैं, जब से जा ही रहे हैं। अभी तक तो हम लोगों के अलावा, हम पांच बाइक के अलावा अभी तक तो कोई और बाइक दिखी नहीं है बहुत देर से हम लोगों को। और देखो सामने रास्ता ठंडा होता जा रहा है, और सामने धूल ऊपर की तरफ उड़ रही है ऐसे करके, देखो अगर आप लोगों को दिख रही हो तो। एंड सामने अपने को दिख रहा है स्नो कैप माउंटेन, हरी भरी स्पॉइल्स द करी, वाह। और हमें लगता है डॉक्टर साहब जैसे पिलियन पे बैठे हैं, जब से उनके पटक में लगता है दर्द हो गया, क्योंकि कभी इधर हो रहा है कभी उधर हो रहा है, कभी पैर एक लटका है कभी कुछ, समझ सकते हैं। चलो धीरज भाई एक काम करें, नहीं नहीं बिली बिली नहीं आ रहा, पहाड़ पे चढ़ा दे ऊपर गाड़ी। अरे रोल होते आ जाएंगे नीचे, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं नीचे आते टाइम नहीं फैलेंगे, चढ़ते टाइम ही फैल जाएंगे। तो अपने को अब दिख गया है ज़िगज़ैग बूम, बोले तो अब ज़िगज़ैग वाला रोड स्टार्ट हो जाएगा। अब तो यहाँ से नहीं दिखेगा, एग्जैक्ट सामने पहाड़ आ गया, लेकिन पीछे वहाँ से जब आ रहे थे तो वहाँ से अपने को दिख रहा था। टड़िंग टड़िंग, देखिए 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 बहुत देखिए ऊपर था। और माँ कसम सामने का नजारा देखो तुम भैया, ये देखो लगेगी नहीं मजा आएगा। और तो ये कुछ खतरनाक वाला ब्रिज, वहाँ कसम लकड़ी का ब्रिज है, बाप रे। और ऊपर से नीचे इधर से देखो जरा, इधर देखो दोनों साइड, मतलब अगर ये टूटा मुझे तो स्विमिंग भी नहीं आती। तो मतलब रास्ता देख रहे हो, इतना मस्त रास्ता है, पहले क्यों नहीं आया? अपने को यहाँ भाई स्टे लेने का ही था, वहाँ की जगह यहाँ लेना चाहिए था, बट कोई नहीं, चलो जहाँ भी रुके रुके वापस अपने को उधर जाने का ही है। तो वहाँ देखो वो आप लोगों को बाइकर्स का लाइन दिख रहा होगा ना ऊपर तक, वो अपने को भी ऐसे ही जाने का है। और साहब भाई साहब सामने नज़ारे देखो जरा, मतलब कैसे मस्त। और हमने ऊपर से कर रखी है गाड़ी बंद, पेट्रोल बचाओ अभियान, जहाँ तक बचे वहाँ तक बचाओ। चलो अब चालू कर लेते हैं। तो यहाँ पर मिल गया है इन लोगों को पेट्रोल, सिर्फ जस्ट 5 लीटर मिला है, तो इन लोगों ने डिसाइड किया कि 2.5 लीटर डाल लेते हैं।
बट अपना रेंज तो अभी भी 200 दिखा रहा है, मानो ना 180 जैसा तो चलेगा अपना। और हम पहनने तो हैं पॉलिथीन जरा ठंड से बचने के लिए, क्योंकि गरीब, हाँ क्योंकि गरीबों वाले ग्लव्स हम लेके आए हैं और वो फट चुके हैं और कोई मुझे गिफ्ट नहीं दे रहा है ग्लव्स। ये नहीं कि दिख रहा है कि मैं बेचारा गरीब काम चला रहा हूँ तो ग्लव्स दिला दे, मुझे कोई दिला नहीं रहा, सब हरामी है मेरे दोस्त। हम लोगों को यहाँ पेट्रोल तो मिला, लेकिन हम लोगों को लगा कि शायद काफी महंगा मिलेगा, बट जस्ट 110 रुपीज लीटर मिला, 5 लीटर ही था इनके पास, तो 2.5 लीटर दोनों डोमिनेटर में डाल दिया, तो इनका फिलहाल टेंशन खत्म हो जाएगा, अभी टेंशन फ्री चला पाएंगे। तो ये बोगदान गांव है, वहाँ पे आप लोगों को पेट्रोल ऐसे शॉप पे मिल जाएगा, तो अगर ऐसा कोई इमरजेंसी में आप फंसो तो यहाँ से डलवा सकते हो। फिलहाल इनके पास 5 लीटर ही था, लेकिन हो सकता है और भी होता हो, अभी फिलहाल अपना काम चल गया। तो मैं तो आप लोगों को सजेस्ट करूँगा कि बाई चांस इमरजेंसी हो तो आप ये मत सोचना कि पेट्रोल नहीं है तो नहीं जाते, आप लोग यहाँ पे आ सकते हो, आपको यहाँ पेट्रोल मिल जाएगा। ये शॉप है J&K बैंक सर्विस द एम्पावर, मतलब कि J&K बैंक है यहाँ पे, उसी के पास में है, तो काम हो जाएगा आपका, जैसे कि अभी हमारा हो गया तब टेंशन फ्री। हमारा नहीं मतलब इन दोनों का, भाई हमारा से भी इसलिए बोला क्योंकि ये घुस मारो। तो चलो आगे निकला जाए। अभी तुरतुक कितना किलोमीटर है पूछ लो ना, तुरतुक कितना है अभी, तो अभी तुरतुक यहाँ से 20 किलोमीटर है, आधा घंटा बोल रहे, बारिश है तो थोड़ा और टाइम। Not as tough as